हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, व्लॉग आ रहा है आज, क्योंकि कल है रामनवमी, तो गाइस उसके लिए व्लॉग आ रहा है। और अभी मैं मतलब जस्ट मार्केट से आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे जो कल सूट पहनना था वो मैंने फिटिंग के लिए दिया हुआ था और वो मैं नहीं लाई हुई थी। तो अभी रात के 8 बजे हैं, तो मार्केट से मैं लेके आई हुई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको अपना सूट। तो उससे पहले तो अभी बाहर में मम्मी मतलब बना रही है प्रसादी वगैरह, और उधर वो फोटो को इग्नोर करना। तो अभी मम्मी प्रसादी वगैरह बना रही है, तो चलो इंजॉय करते हैं गाइस। इंजॉय क्या करना है, आज तो कुछ वैसा होगा नहीं, और कल देखेंगे कि क्या होना है, क्या होगा क्या नहीं। तो अभी मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना, ठीक है? तो देखो, ये जो है ना, ये वाला मेरा सूट है, रेड कलर में है ये। तो ये रहा मेरा सूट गाइज, ये रहा सूट, ठीक है? और इसी के नीचे का ना, मैं मैचिंग का पैंट लेने गई थी, क्योंकि मेरे पास ये था नहीं, मतलब ये था तो इसके नीचे में ना बस ये और दुपट्टा दिया गया था, इसके नीचे में पैंट नहीं दिया था। और ये दीदी का है, दीदी का सिंपल है बट अच्छा है। तो इसके वाले में ना सब कुछ था, मतलब दुपट्टा भी था, पैंट भी था, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा गाइज। ये देखो, ये दीदी का है, बताना दोनों में से किसका अच्छा लगा। वैसे तो मैं कल दिखा दूंगी, दोनों हम दोनों बहनें पहनेंगे तो उसमें तो दिख जाएगा। बताना दोनों में से किसका बेटर है। मुझे तो दोनों ही पसंद आ रहे हैं, तो हम दोनों मतलब मिक्स करके पहनेंगे। कभी वो पहनेगी मेरा वाला, कभी मैं इसका वाला पहन लूँगी। तो ये पैंट अभी इसको ना आयरन करने की अभी ज़रूरत है, ये देख लो अभी मतलब पूरा मुड़ गया है, तो आयरन करने की ज़रूरत है इसे। और ये मैंने ना एक वाइट पैंट भी लिया था, क्योंकि मेरे ना जो पुराने कुर्ती के वाइट पैंट थे ना, वो सारे ना वो वाले एक ही है मेरे पास, तो वो फट चुके हैं। तो मैंने फिर से एक वाइट पैंट लिया, क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा नीड हो जाता है यार, क्योंकि ना कोई भी कुर्ती पे ना ये पैंट बहुत अच्छे से चलता है। तो इस वजह से मैं ये ले ली थी, और ये सारा अभी वहाँ पे झोला पड़ा हुआ है। तो गाइज यही वाला था, तो अभी इसको समेट के रखते हैं, ठीक है? तो गाइज मैंने जो ये सारी कुर्ती फैलाए हैं अभी आपको दिखाने के चक्कर में, मुझे ये अभी समेटना भी पड़ेगा, क्योंकि यार समेटना पड़ता है, क्योंकि बाहर में दीदी अभी काम कर रही है, दीदी का नवरात्र चल रहा है, तो उसको मैं बोल नहीं सकती। और उसका थोड़ा सा भी तबीयत भी ख़राब हो गया है, आज 8वां दिन है तो तबीयत ख़राब हो गया है उसका, तो इस वजह से उसको मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो मैं खुद से ही वो कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। मैं भी काम करती हूँ गाइज, कभी कभी कर लेती हूँ। तो अभी चलो जल्दी जल्दी फोल्ड करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं। गाइस कभी कभी ना मुझे अपनी बहन पे इतना गुस्सा आता है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी मतलब ना मैं ना कपड़ा जो मैंने फोल्ड मतलब मैं खोली थी, वो फोल्ड कर रही थी, आप लोगों को ने भी देखा। और अभी मेरी बहन आई, और रुको मैं दिखाती हूँ क्या किया। तो गाइज ये जो मैं फोल्ड करके रखी हुई थी, ये खोल के जा मतलब चली गई, और अभी फिर से मुझे इसको फोल्ड करना है। और मुझे भूख लगा इतना जोर से, मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये जो है ना आयरन का मतलब, ये मैंने ना अच्छे से समेट के रखा था, सोचा था कि अब इसको ना कल आयरन करके दे दूँगी, क्योंकि इसके कपड़े में तो आयरन की नीड है, बट मेरे में है उतनी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं भी करूँगी तो चलेगा। लेकिन इसका मैं ढंग से फोल्ड करके रखी थी, और ये खोल के अभी देखने के चक्कर में चली गई, खोल के अब फिर से मुझे समेटना पड़ेगा। तो अभी चलो फिर से समेटते हैं इसको, और इतने मैंने समेट लिए मतलब फोल्ड कर लिए, हम लोग समेट बोलते हैं, तो मिलते हैं। तो गाइज मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, और ये मैंने जीन्स जो पहना था वो मैं खोल के रखी, और चलो बाहर में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गाइज। चलो तो यहाँ पे मम्मी रसिया बनाने का वो कर रही है, तैयारी कर रही है, और यहाँ पे दल पूरी के लिए आटा सान रही है चाची, डो बना रही है जिसको बोलते हो आप लोग, डो हम लोग में मिलाना कहते हैं, तो वो अभी कर रही है। और ये अभी चल रहा, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, ओके बाय। तो गाइज यहाँ पे मम्मी सारा मतलब बन चुका है, ये सारा, ये दाल वाला पूरी है, और ये नॉर्मल पुआ है और पूरी है, और यहाँ पे अभी शायद मम्मी हलवा बनाएगी,
और सब कुछ तो बन गया है, रसिया भी बन गया है, रसिया उधर रखा हुआ है। और यहाँ पे भी हलवा बनेगा तो अब देखो। तो गाइस ये गुड़ और चावल का रसिया बनता है हमारे इधर, मतलब रामनवमी में। ये मतलब दो ही टाइम बनता है, एक तो छठ पूजा के टाइम में और एक ये रामनवमी में। तो ये इस टाइप का रहता है, गुड़ और चावल का बना रहता है ये। और ये धर्मम में हलवा तो गाइज यहाँ पे ही, ये यहाँ पे इस पर प्रसादी चढ़ेगा गाइज, तो इसलिए दीदी पत्ता काट रही है। तो गाइज ये रहा गाइज, इसके नाखूनों को इग्नोर करना, ये ऐसी ही है गंदी सी। और देखो यहाँ पे गाइज क्या हो रहा है। तो पैट भाई जी काटा जा रहा है गाइज, क्योंकि इस पर प्रसादी चढ़ेगा, क्योंकि केला का पत्ता शुद्ध होता है इस वजह से। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे, मम्मी जा रही है पूजा करने के लिए। तो गाइस देखो मेरी बहन ने मेरा सिर पे क्या किया है, हल्दी लगा के। और ये देखो देखा गाइस ये ऐसी है। और गाइस मेरे बाल वगैरह कुछ नहीं जा रहे गाइस, मेरा बाल बहुत गंदा हो गया है। और मम्मी अभी सारा प्रसादी वगैरह बाहर से लेके यहाँ रख रही है। और ये हमारा छोटा सा कमरा है गाइस, यहाँ पे मम्मी सारा काम कर रही है। मैं नहीं करती गाइस ये पूजा वाला काम, क्योंकि मम्मी मुझे इसमें शामिल ही नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई। और गाइस ये मेरी चाची शर्मीले लोग और लोगों से आपका परिचय करवाते हैं, बाकी से कर कराएंगे। अभी तो कोई नहीं, सब सोने चले गए गाइस। मैंने अपनी दीदी को दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरी दीदी और ये काली है गाइस। गाइस मैंने मजाक किया, गाइस ये रूट क्या कान कानों का मार। तो गाइस ये मेरी दीदी है बस, बस मैं हूँ दीदी। और ये सच में काली है, देखो देखो गाइस देखो। नहीं गाइस मेरी घर की दादी लोग बोलती है ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। और गाइस ये है और गाइस मेरे चुच्चू आ गए, हेलो। तो गाइस मेरे पापा को टिफिन जा रहा था। तो गाइस मम्मी आओ, आ ना ना एक मिनट अच्छा आ ना
गाइस मम्मी चली गई क्योंकि मम्मी को शक था कि मम्मी सुंदर नहीं लगी लोग। गाइस दीदी सीक्रेट पीना स्टार्ट किया, देखो लिप्स दीदी ये काले लग रहे हैं गाइस, और मैं देख नेचुरली पिंक पिंक सॉरी पिंक नहीं इतना है। तो गाइस हम लोग दिखाते हैं आपको कुछ प्रदर्शन दिखा दे गाइस। तो गाइस ये मेरी बड़ी बहन है, ये फोटो भी दिख रहा है भैया। ये मेरे बड़े भैया है। अच्छा भैया गाइस आपने मेरे भैया को देखा है, भैया को मैं दिखाती हूँ एक मिनट, देखो ऐसे बोला फोटो ला बोला एक मिनट गाइस मैं दिखाती हूँ अपने भाते को एक मांगा मैंने दीदी। तो गाइस ये देखो ये फोटो है, ये दूसरा फोटो है, ये मेरा भैया, ये अभी मतलब फिलहाल अभी पटना में है, फिलहाल ये पटना में है अभी गाइस। तो हम तीन हैं, सबसे बड़ा ये है, फिर तो दीदी है मिल सकते हो। और सबसे छोटी मैं हूँ गाइस, मैं सबसे छोटी हूँ क्यों पता नहीं गाइस, पर छोटी हूँ और बहुत लाभ लाभ मैं क्या हिंदी बोले गाइस, मतलब बहुत प्रॉफिट है छोटा होने का, मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह सब मिलते हैं गाइस, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, जीवन एकदम अच्छा चल रहा है। तो यही है मेरा भाई, अभी मेरे पास इसके फोटोज नहीं हैं तो क्या कर सकती हूँ, तो मैंने दिखा दिया। तो गाइस मैंने अपने फोटो और यहाँ पे मैंने बर्ड्स अपने चार्ज में लगाए क्योंकि मेरे बर्ड्स डिस्चार्ज हो गए थे गाइस, मैंने कल चार्ज में लगाए थे लेकिन मैं ना दूसरे वाले टाइप सी से लगा देते, लेकिन मेरे बड्स उससे चार्ज हुए नहीं तो फिर मैंने उसके ओरिजिनल चार्जर से लगाया, और ये बड्स ना मेरे मतलब परसों ही आए, तो मैं भी ना पीला पीला लग रहा है ना। तो गाइज मिलते हैं अब कल, कल क्या क्या होगा आप देखना व्लॉग में, तो बने रहो व्लॉग में और बहुत सारा प्यार दिखाना ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना गाइज, और बस कर देना यार मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा मेरे पीछे मेहनत कर दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक का जो बटन है उसके नीचे में लाइक कर दो और फिर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और शेयर तभी करना जब आपको वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो ना बड़ी अच्छी होती है, मतलब फैमिली दिखाने लायक भी होती है, हम लोग गाँव में रहते हैं कैसे रहते हैं वो सब सेलिब्रेट कैसे करते हैं हर चीज़ को वो दिखाने लायक होती है, तो आप लोग दिखाओ यार क्या कर रहे हो ठीक है, तो आप लोग दिखाओ अपने फैमिली के साथ, शेयर करो मेरी मतलब चैनल को और दिखाओ मेरी वीडियोस की कैसे लगते हैं, हम लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं गाइस, मतलब ज़्यादा व्लॉग्स तो मेरे नहीं आते लेकिन अगर आप लोग प्यार दिखाओगे ना मेरे व्लॉग्स पे तो मैं 110% मैं डेली रेगुलर व्लॉग डालूंगी, और मैंने सोचा है कि 1st of April से मैं डेली डालूंगी व्लॉग को क्योंकि कंटिन्यू रहना है मुझे अभी 1st of April से, क्योंकि ना 31st को मेरा रिजल्ट आने वाला है गाइस, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना कि उसके बाद कंटिन्यू रहते हैं फिर।